नंबर वन आई विल बी रीडिंग आउट द स्टेटमेंट, आप ध्यान से साथ साथ कर लीजिएगा बेटे। न्यूमेरिकल है बेटे, ए हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। आपको एक हैमर दिया गया है, ए हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। बेटा आगे क्या लिखते हैं वो, ए हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। बेटे ये 0.1 सेकेंड में दीवार के साथ स्ट्राइक करने के बाद रेस्ट पे आ जाता है हैमर। आगे हमें बेटे क्या पूछा गया है या क्या निकालने को उन्होंने बोला है, कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। बेटे आपको इम्पल्स निकालना है ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। सेकेंडली आपको बेटे कहा गया है रिटार्डेशन ऑफ द हैमर कितना है, हैमर में कितनी रिटार्डेशन हुई है, दिस इज रिक्वायर्ड। एंड बेटे थर्ड आपके पास है रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर। बेटे रिटार्डिंग फोर्स भी चाहिए, रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, ये बेटे चीजें निकालनी है। एक बार फिर से मैं बेटे ब्रीफली पढ़ देता हूँ सारी की सारी स्टेटमेंट। आपको कहा गया है कि ए हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स द वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड्स। बेटा वी जीरो हो रहा है, आपको इम्पल्स निकालना है कि कितना होगा इसका, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि रिटार्डिंग फोर्स कितना है और रिटार्डेशन जो है ये कितना है। अगर हम बेटे इसको ध्यान से देखें, जो भी हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है इसमें नो डाउट मास तो चलिए 1 kg आपको दे दिया उन्होंने, ये आपका इनिशियल स्पीड है हैमर का, फाइनल स्पीड और टाइम सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, और आप अच्छे से जानते हो कि जो इम्पल्सिव फोर्स है या इम्पल्स जो है ये आपका फोर्स इंटू टाइम होता है। बेटे अब देखिए फोर्स तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो हमें इसको बेटे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंगली चेंज इन द मोमेंटम के बराबर भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम। तो P2 आपके पास आ जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, मास 1 kg का है और वेलोसिटी आपकी 0 है, मास 1 kg का वेलोसिटी आपकी 6, तो 6 newton second के बराबर। अगर आप मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो आप साइन को छोड़ सकते हैं, 6 newton second आपके पास जो है ये आ जाएगा। बेटा अब बेटे देखो आपको उन्होंने कहा है कि रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स दोनों ही निकालिए, आप इसी एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा, ये जो आपको दिया गया है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द टाइम, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम, एंड फोर्स आपके पास आ जाएगा चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, एंड फोर्स आपके पास आ जाएगा बेटे चेंज इन द मोमेंटम, आपको आपने निकाल रखा है 6, प्रेजेंटली मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं बेटा, टाइम आपको 0.1 सेकेंड्स का दिया हुआ है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू बेटे 60 newton। बेटा फोर्स आपके पास निकल आया, रिटार्डेशन आपको निकालना है, आप अच्छे से जानते हैं F इज इक्वल टू एम इन टू ए है, ए विल बी F अपॉन एम। बेटा F आपका डियर 60 है, मास आपका 1 है, तो ये 60 meters per second square नेगेटिव आ जाएगा, सॉरी ऑलरेडी आपने रिटार्डेशन ही लिखा है, फिर आपको साइन की जरूरत ही नहीं है बेटा। सो इन दिस वे आप ये जो आपका इम्पल्स के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बेटा इसको सोच सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई भी ज्यादा
मुश्किल वाली बात बेटे नहीं है। इसके बाद बेटा नमन बेटे क्लियर है? नमन ओके नाइस। चलिए देन बेटे सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें। कोशिश करूंगा कि सारी टाइप का न्यूमेरिकल जो है डिस्कस हो जाए, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और आइए सेकंड प्रॉब्लम सेकंड न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करते हैं बेटा। आपको कहा गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 किलोग्राम, ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 किलोग्राम, किलोग्राम मास का यूनिट है, तो इट मस्ट बी द मास गिवन टू यू देन डियर, इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। इतने मास का एक ब्लॉक है मेटल का, वो बेटे फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, रेस्ट की पोजीशन में है। इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड। बेटे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द रेट 1 किलोग्राम पर सेकंड, इस रेट से एक पानी का जो जेट है, वाटर जेट, इस मेटल के ब्लॉक को फोर्स अप्लाई कर रहा है। आपको करना क्या है बेटा, मैं रिपीट करूंगा, इट इज स्ट्रक बाई ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड एंड एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बेटे आपको स्पीड भी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से आपका पानी का जेट उसको स्ट्राइक कर रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बेटा आपके ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, दिस इज नीडेड। बेटे लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट एज ए होल। आपको कहा गया है ए ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर सेकंड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बेटा कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बेटे तो बेटे ध्यान से समझने वाली बात है, आप अच्छे से जानते हैं फोर्स आपका जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ करता है, दिस इज इक्वल टू DdT ऑफ m इनटू v। इसको देखिएगा जरा ध्यान से, ये किलोग्राम पर सेकंड का मतलब है आपको dm अपॉन dt चाहिए, तो आप v को जो है और m को आप बेटे एडजस्टमेंट कर लीजिए। आपके पास ये चीज जो है वेलोसिटी तो फिक्स आपको दे रखी, इसमें कोई चेंज आ नहीं रहा है, इट विल बी वी डी एम अपॉन डी टी। वी को हमने क्यों एडजस्ट किया, बिकॉज वी फिक्स है बेटा, कॉन्स्टेंट है, इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं आपको दी हुई, तो डी एम बाई डी टी आपको उन्होंने दिया हुआ है। सो फोर्स विल बी इक्वल टू 5 × 1, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 5 न्यूटन के बराबर का आपके पास जो फोर्स है ये आपको मिल जाएगा। अब आपको उन्होंने कहा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल के बताइए। बेटे आपका जो फोर्स है ये m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हुआ करता है, और आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मास आपको उन्होंने ऑलरेडी 2 kg का दिया हुआ है मेटल के ब्लॉक का, फोर्स आपने निकाल लिया 5 × 2 a आपको निकालना है, a विल बी 5/2 एंड दिस इज 2.5 m/s², दिस इज द एक्सेलरेशन आपके ब्लॉक में जो डिवेलप हो जाएगा जब आप अपने ब्लॉक पर एक पानी का जेट कंटिन्यूसली बेटे स्ट्राइक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको बेटे आपका जो ये सेटअप है ये मिल जाएगा बेटा। सो इसके बाद बेटे आइए आगे चलें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें बेटे। वी फर्दर इन कंटेक्स्ट विद द सेम चैप्टर हैव, लेट अस प्रोसीड फर्दर बेटे, थर्ड न्यूमेरिकल देखें और करके
थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड न्यूमेरिकल है बेटा, ए मैन वेइंग 60 केजी रन्स अलोंग द रेल्स विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। 60 केजी किसी पर्सन का मास है, राइट जी, और वो पर्सन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहा है रेल्स के अक्रॉस, एंड जंप्स इनटू ए कार ऑफ मास 1 क्विंटल, और ये बंदा एक कार में जंप कर जाता है उसका मास 1 क्विंटल। 1 क्विंटल आपका बेटे 100 केजी होता, नहीं 100 केजी, यस 100 ही होना चाहिए ये। 1 क्विंटल आपका जो है इट इज 100 केजी, आपको पता ही है, और वो कार स्टेशनरी है। ये कार हमारी जो है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर वो अपनी एक बेटे इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलवे ट्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक छोटा कार्ट सा वो चलाते हैं, मैनुअली या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ये उस कार की बात की गई है, ऑर्डिनरी कार नहीं है ये। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द कार विल स्टार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रेल्स। ध्यान से देखिएगा, आपको ये रेल्स दी गई हैं, मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम ड्रॉ करने की। इन रेल्स पे एक ये बेटे कार जो है कुछ इस तरीके की ये आपकी कार बनाई हुई है उन्होंने, कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की, शायद ड्रॉ हो जाती है। तो ये एक कार सी है, मैनुअली इसको आप रेल्स पे चला लेते हो ताकि आप अपने रेलवे ट्रैक का इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि कहीं टूटा तो नहीं हुआ। ये कार आपका स्टेशनरी है। एक उन्होंने कहा है कि एक पर्सन मे बी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, ये पर्सन है और ये पर्सन जो है इनका आपको मास दिया गया है और ये 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड से इधर से भागे आ रहे हैं और ये यहाँ पे आके इसमें जंप कर जाते हैं। इस कार में कार का मास 100 केजी है, पर्सन की वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आर का मतलब है 5 मीटर पर सेकंड हो गई बेटा, 60 केजी इस बंदे का मास है। जब ये इसमें जंप कर जाएंगे तो कार आगे ट्रेवल करने लगेगी, आपको वो कार की जो ट्रेवल करने की स्पीड है वो बेटे निकालने को उन्होंने कहा है। सो बड़े ध्यान से देखिएगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को आप सिंपली कंपेयर कर लीजिए। इस बंदे की इनिशियल वेलोसिटी 5 है, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया आपके सिस्टम का बिफोर द पर्सन जंप्स इनटू द कार व्हेन ही इज रनिंग, और जब जंप कर गया तो कितना हो गया, 100 केजी की कार है, 60 केजी पर्सन का मास है, वेलोसिटी हमें पता नहीं है, ये फाइनल मोमेंटम हमारा हो गया बेटा 60 × 5, ये 300 आ गया, ये 160 वी आ गया, वी आ गया 30/16 मीटर्स पर सेकंड, एंड वी आपके पास ये बेटे मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ 15/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8/8 1.9 मीटर पर सेकंड के करीब करीब ये वेलोसिटी आ जाएगी। इस वेलोसिटी से आपका जो कार्ट है वो बेटा ट्रेवल करने लगेगा। सो इस तरीके से आप ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ रिलेटेड अपना जो प्रॉब्लम है बेटे इसकी भी बात कर सकते हो बेटे। देन बेटे इसके बाद मेरे पास बच्चों कंसेप्ट है, लेट मी फोकस अपॉन बेटे द केस ऑफ योर बैंकिंग ऑफ रोड्स के साथ रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको करवाऊंगा बेटे। लेट मी फाइंड दैट प्रॉब्लम एंड देन वी विल बी हैविंग द डिस्कशन बेटे।
यस बेटे, आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे भी आपको दी हुई है ये प्रॉब्लम। और ये मैं पहले स्पेस बना लूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देन वी विल टेक इट अप बेटा। कुछ आपका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर बेटे 30th है आई थिंक। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप, 30th न्यूमेरिकल है। एन एयरक्राफ्ट इट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप। हॉरिजॉन्टल लूप का मतलब है हॉरिजॉन्टली ये चक्कर में घूम गया है, ठीक है जी। एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है जब इसने ये हॉरिजॉन्टल लूप कवर किया है। विद इट्स विंग्स बेंड एट 15 डिग्रीज, उसके जो विंग्स हैं 15 डिग्री के एंगल पे उनकी बैंकिंग हुई हुई है, आप ये कह लीजिए, या हॉरिजॉन्टल के साथ 15 डिग्री के एंगल पर वो अलाइंड है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप इट इज, आपका जो सर्कुलर ट्रैक में लूप प्रेस्क्राइब हुआ है, डिस्क्राइब हुआ है, आपको बेटे उसका रेडियस निकालना है। मैं बेटे रिपीट करूंगा, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप एट 720 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग्स बेंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप बेटा, दिस इज नीडेड बेटे। आप अच्छे से जानते हैं हमने रिलेशनशिप कल किया था, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ना मन जरा चेक करना, कल किया था हमने कि नहीं पुत्र, बी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा बैंकिंग के केस में, नमन स्केयर कर दीजिए दोनों तरफ, बी का स्केयर आर जी टेन थीटा एंड आर विल बी बी स्केयर अपॉन जी टेन थीटा, इसको किलोमीटर पर आर से मीटर पर आर में बदलना नहीं भूलना आपने, ये मीटर पर आर्स में जब आप इसको बदल दोगे तो इसकी वैल्यू जो है ये 200 मीटर पर सेकंड आ रही है बेटा, 200 मीटर पर सेकंड इन यूनिट्स में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। आप सिंपली अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10-15 टेबल से देखना पड़ेगा आपको, वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर जी 9.8 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट ऑफ एंगल 15 डिग्री। इस तरीके से आप बेटे लूप का जो रेडियस है बेटा ये निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम आपका यहाँ पे नहीं है बेटे। और इसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट वन बेटे, आपको उन्होंने दिया हुआ है फर्दर मोर कि ए ट्रेन बैंकिंग के साथ ही रिलेटेड ये भी बेटे प्रॉब्लम है आपकी। आइए देखें, सोचें इसके बारे में बेटा, इट इज अगेन रिलेटेड टू योर बैंकिंग बेटे, आइए इसको कंसंट्रेट करें और इसके बारे में डिस्कशन करें। 31st प्रॉब्लम है ये आपका, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है बेटे। लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट फॉर यू पीपल, ए ट्रेन राउंड्स एन अनबैंक्ड सर्कुलर बेंड ऑफ रेडियस 30 मीटर, एक सर्कुलर बेंड है, सर्कुलर बैंड, रेडियस इसका 30 मीटर है, ट्रेन इस सर्कुलर बैंड के अक्रॉस मूव कर रही है। ए ट्रेन राउंड्स एन अनबैंक्ड सर्कुलर बैंड ऑफ रेडियस 30 मीटर्स एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ट्रेन का जो है
ये 54 किलोमीटर पर आवर का आपको दिया गया है बेटा, और मास ऑफ द ट्रेन इज 10 डेज पर 6 kg। ट्रेन का बेटे जो मास एम है, 10 डेज पर 6 किलोग्राम का मास है ट्रेन का। व्हाट वी इंटेंड टू कैलकुलेट इज दैट व्हाट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। ये अनबैंक्ड है बेटे, सर्कुलर बैंड जो है इट इज अनबैंक्ड। उन्होंने कहा है कि व्हाट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कौन सी चीज इस पर्टिकुलर ट्रेन को प्रोवाइड कर रही है, कौन सी चीज सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है रादर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है द इन व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वीरिंग आउट ऑफ द रेल्स। बेटे जब फ्रिक्शन होगा तो रेल्स में वियर एंड टीयर भी होगा, उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं तो कैसे बैंकिंग करेंगे बेटा। सो इसमें बेटे अगर हम बात करें रेल्स के बीच में और रेल के जो आपके रादर व्हील्स हैं उनके बीच में और ट्रेन के व्हील्स, सॉरी रेल के व्हील्स नहीं, ट्रेन के व्हील्स और रेल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब फ्रिक्शन है तो बेटे डेफिनेटली आपके रेल्स में वियर एंड टीयर भी होगा, रेल्स आपके थोड़े टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाया करते हैं बेटा। अगेन आपको बैंकिंग का एंगल निकालने के लिए आपने कहा था वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा अंडर द रूट, आप स्केयर कर दीजिए, वी का स्केयर आर जी टेन थीटा आ जाएगा एंड टेन थीटा इट विल बी वी स्केयर अपॉन आर जी एंड थीटा दैट विल बी टेन इनवर्स वी स्केयर अपॉन आर जी। बी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं भूलना आपने, ये आपका आ जाएगा जी 15 मीटर पर सेकंड के 3 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, थीटा विल बी बेटे 10 इनवर्स, आइए चेक कर लें, ये आ जाएगा 15, अगेन 15, इन द डिनोमिनेटर रेडियस 30 मीटर्स है, जी को 10 आप ले सकते हो, ये देखिए 15 2s are 30 और 15 में 5 3s are 15, 5 2s are 10, थीटा इट्स बेटे 10 इनवर्स 3/4। इतना आपका बेटे बैंकिंग एंगल जो है ये बन जाता है। सो आपको इस एंगल पे बैंकिंग जो है रेल्स की कर लेनी चाहिए, सो दैट आप अपने रेल्स की जो वियर एंड टीयर है उसको बेटे एटलीस्ट कम कर सकें। अगर आप कंप्लीटली उसको जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम जरूर हो जाना चाहिए बेटे। सो दैट वाज अगेन रिलेटेड टू द बैंकिंग बेटा। आइए लेट अस प्रोसीड अहेड स्टिल विद एन अदर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेटा। आइए देखें कि हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर न्यूमेरिकल नंबर नहीं, नेक्स्ट है एंड डाल देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट पार्ट बेटा। आपको कहा गया है ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, एनसीईआरटी का 6th न्यूमेरिकल है। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम की बॉडी है उस पर कोई कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल स्पीड है, फाइनल इसकी है 3.5 मीटर पर सेकंड, ये चेंज आ जाता है इसमें इन 25 सेकंड्स। ये चेंज लेके आने के लिए 25 सेकंड्स का टाइम भी बेटे लगा है। वट वी इंटेंड टू कैलकुलेट ओवर हियर इज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है. लेट मी रिपीट बेटा, आपको उन्होंने कहा है ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड दिस फोर्स चेंजेस द स्पीड फ्रॉम 2 m/s टू 3.5 m/s इन 25 seconds. बेटा आपके जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, ये बेटे रिक्वायर्ड है कि कौन सी डायरेक्शन में आप अपनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ताकि आप ये वाली जो मोमेंटम की चेंज है इसको लेके आ सकें. तो डियर चिल्ड्रन, आपका फोर्स जो होता है आप अच्छे से जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ करता है. आप इसको m into v final, m into u initial momentum divided by time भी कर सकते हो. m आपके पास 3 किलोग्राम का है, m को कॉमन ले लीजिए, that will be much better. v minus u upon t कर लीजिए. f will be equal to 3 किलोग्राम की बॉडी थी और 3.5 minus 2 upon t 25 है, ये बन गया जी 3 1.5 upon 25. अगर आप बेटे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 0.18 newton के करीब करीब आ जाएगा आंसर. तो इतनी फोर्स जो है ये लग रही है. और बेटे बिकॉज नोटिस करने वाली बात है, वेलोसिटी बड़ी है, इंक्रीज हुआ है, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेट हुई है बॉडी. एक्सेलरेट होने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रही है, आपका अप्लाइड फोर्स उसी डायरेक्शन में है बेटा. सो इन दिस वे आप ये प्रॉब्लम को बेटा देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. आइए आगे चलें विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द चैप्टर. ये आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी मैं करवा रहा हूँ. एक छोटा सा प्रॉब्लम और करेंगे. ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 newton, ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी का. ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 newton इट इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 kg. 20 kg मास की बॉडी है, इस पे आपने ये फोर्स अप्लाई कर रखी है. मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 m/s, यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 15 m/s के बराबर आपको दे रखी है उन्होंने बेटा. हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, बॉडी को रुकने के लिए कितना टाइम जो है ये लगेगा, दिस इज नीडेड. लेट मी बेटे अगेन रीड आउट द स्टेटमेंट. ए कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 50 newton is applied on a body of mass 20 kg moving initially with the speed of 15 m/s. How long does the body take to attain the rest position? Bete, this is bete given to you. Aapka bete again tarika same aa jayega. Aap pehle retardation nikal lijiye kitna nikla hai. Aap jante hain F is equal to M into V minus U upon T hota hai. F को आप m into a भी लिख सकते हो बेटा. तो m आपका डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा. t नहीं, पहले आपको a निकालना पड़ेगा. F is equal to m into a है, a will be equal to f upon m. a आपका 50 न्यूटन का है, मास 20 है, तो एक्सेलरेशन आपका बन गया 5/2 रिटार्डेशन है ये रहा m/s². ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो नेगेटिव आपको ले लेना चाहिए. तो ये आपका एम तो अब रहा नहीं, टी आपके पास आ जाएगा बी माइनस यू अपॉन ए. टी आ जाएगा, बी कितना था 0, यू 15 है, ए है माइनस का 5/2, तो टी बन जाएगा माइनस 15 अपॉन माइनस 5/2, इट इज 5 3s are 15. T आपका करीब करीब 6 seconds के बराबर का आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा बेटे एक बार. सो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बेटे. सो बेटे इन दिस वे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ट्राई करते जाइएगा बेटा. और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे.
आपका सब स्टूडेंट्स का कोई और डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको करवा देता हूँ। अदरवाइज मेरी तरफ से आज बेटे इतना जो है कंटेंट आप जरूर कंप्लीट करिएगा, न्यूमेरिकल्स को देखिएगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मैंने कोशिश की है कि हर एक टाइप के जो है हमारे डिस्कस हो जाए। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी, बड़े सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं बेटे। सो थैंक यू ऑल।